नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो आपका KBS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो पद हैं आपके, मैं बता दूँ, प्राइमरी टीचर हो गया आपका TGT, PGT, योगा, कंप्यूटर, नर्स, ठीक है, और आपका योगा हो गया आपका, ठीक है, खेल कूद, और तो ऐसे आपके कई पद हैं इसमें अलग अलग। मैं भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें पता लग पाएगी किस किस पदों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वाराणसी की ये भर्ती वाराणसी जिले से है, ठीक है, आज से शुरू है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी करिएगा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा लेट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आज से आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आज है, कल है और परसों है, क्लियर हो गए। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन, और आप जो है उसको कंप्लीट करते हो सीधा पहुंच जाइए पे। आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, जो फॉर्म है इनका ऑफलाइन है उसको डाउनलोड करना है, फिलअप करना है, फोटोकॉपी उसकी सभी अपने डॉक्यूमेंट की ले लेना है। अभी मैं आपको बता दूंगा करना क्या, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में सारी जानकारी। दोस्तों उससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है आपको स्वतः मिलते रहे, आप मिस ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका नोटिफिकेशन, यहां पर देख रहे केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, परिसर वाराणसी। तो मैंने इसका जो आपका नोटिफिकेशन वो मैंने डाउनलोड कर लिया ताकि मैं आपको जल्दी दिखा सकूं कि ऑलरेडी लेट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा अभी इसको, मैं आपका जो है वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, कैंपस वाराणसी, सत्र 2023-24 के लिए शिक्षकों के विभिन्न पद एवं कोच, नर्स, परामर्शक, काउंसलर हेतु पूर्णतः अस्थायी पदों के लिए संविदा के आधार पर पार्ट टाइम यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिजर्व पैनल बनाने हैं। तो परीक्षा साक्षात्कार यहाँ पे देख पा रहे 18, 20, 22 मार्च 2023 को आयोजित होगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत दिशा निर्देश केंद्रीय विद्यालय यहां पे देखने को मिल जाएगी, आपकी जो वेबसाइट है यहां पे आपको जाके आपको देखना है, क्लियर हो गया, bhuvaranasi.kbs.ac.in, क्लियर हो गया। अभी चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, अब देखिए सीधा बात करेंगे, मैं आपको डिटेल से दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, कैंपस वाराणसी, 2023-24 के लिए शिक्षकों के विभिन्न पद, कोच, नर्स, परामर्शदाता, ठीक है, काउंसलर, विशेष शिक्षक जिसको स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं, NCC प्रशिक्षक हेतु पूर्णतः अस्थायी पदों के लिए संविदा के आधार पर आपका जो है रिजर्व पैनल बनानी हो। तो जो आपका साक्षात्कार है वो 18 मार्च 20 मार्च 22 मार्च को आयोजित होगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी विद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन फॉर्म मूल प्रारूप में भर समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, 100 प्रमाणित छाया प्रति एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ विद्यालय में साक्षात्कार के दिन निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे, ठीक है। अभी देखिए पद कौन कौन से, वो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जी इसका प्रपत्र है, ऑफलाइन फॉर्म है, वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको पूरा फिलअप करना है, अपना जो भी योग्यता है आपके पास, सभी जितना भी आपने पढ़ाई रखा रखी सभी की जो है मूल प्रति ले लेना है, उनकी फोटोकॉपी भी करा लेना है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो ले लेना है, और सीधा साक्षात्कार में पहुंच जाना है, फॉर्म भेजना नहीं है आपको, ठीक है, सीधा साथ में लेके जाना है। अब यहां पे देख पा रहे 18 तारीख को 9 बजे से शुरू है, आज 9 बजे से PGT के लिए, जो दोस्त भाई बहन जानना चाहते हैं अभी भी टाइम है, ठीक है, जल्दी करिए आप लोग। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, ठीक है, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र एवं कंप्यूटर विज्ञान के लिए आज जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रशिक्षक, कोच, तो आर्ट एवं क्राफ्ट वाले शिक्षक, नृत्य शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक को भी आज ही जाना है। बाकी रही देखिए 20 तारीख को, तो 20 तारीख को TGT वालों को जाना है, जिसका आपका TGT पद है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और यहाँ पे देखो योग प्रशिक्षक और क्रीडा प्रशिक्षक और नर्स, इनको 20 तारीख को इंटरव्यू के लिए जाना है। आगे देख पा रहे 22 तारीख को किसको जाना है, तो प्रशिक्षक, कोच, काउंसलर और प्रशिक्षक, कोच, स्पेशल एजुकेटर, NCC प्रशिक्षक को आपको किस तारीख को जाना है, 22 तारीख को दोस्तों जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से दोस्तों भर्ती है, तो जिसको जिसको इस पर अप्लाई करना है, ये सब्जेक्ट है आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनको इस टाइम यहाँ पर पहुँच जाना है। अब देखिए नीचे की तरफ चलते हैं, आप देख पा रहे हैं साक्षात्कार है तो पंजीकरण सुबह 8 से 9 बजे के बीच किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चे जो 8 से 9 के बीच पहुंच जाएंगे उनका पहले पंजीकरण होगा।
केवल पंजीकृत उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी दोस्तों तब होगी जब किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी पद के लिए बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ जाएगा, ठीक है। उसका देखिए, किसी पद पर अभ्यर्थियों की संख्या सामान्य से अधिक होने पर उस दिन एक लिखित परीक्षा होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुविकल्पी प्रकार का आयोजन किया जा सकता है जिसमें सर्वाधिक अंक पाने वाले 10 अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार लिया जाएगा। इस संबंध में निर्विवाद रूप से प्रचार का निर्णय यहाँ पे अंतिम होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, हिसार कैंपस वाराणसी विज्ञापन में संशोधन करने एवं किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी स्थिति में साक्षात्कार की 300 समय में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं विस्तृत दिशा निर्देश केंद्रीय विद्यालय परिसर वाराणसी की वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, kbbhuvaranasi.kbs.ac.in के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इसकी शैक्षिक योग्यता वगैरह वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई आपको यात्रा भत्ता देने ही होगा। संविदा नियुक्त हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार यहाँ पे दोस्तों की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीधा PGT और TGT प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्त पद रिक्त होने पर ही की जाएगी। स्थायी शिक्षक की पोस्टिंग होने पर संविदा शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाएगा, यहाँ पे ऐसा भी मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, ये इसका पूरा डिटेल है, किस पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपका BCA PGDC BSc कंप्यूटर साइंस DOEC और ए लेवल है तो अप्लाई कर पाएंगे। गेम स्पोर्ट कोच इंस्ट्रक्टर्स के लिए डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है, ठीक है, और ये स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपका नेशनल लेवल का अगर आपने खेल खेला हुआ है तो अप्लाई करेंगे। डांस इंस्ट्रक्टर के लिए एटलीस्ट डिग्री डिप्लोमा इन इंडियन क्लासिक और फॉक डांस, ठीक है, आपका ये आपका पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। आर्ट और क्राफ्ट के लिए बात करें दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं एटलीस्ट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन, ठीक है, मॉडलिंग लोकल हैंडक्राफ्ट पॉटरी कटिंग, इस तरह से ये आपका है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी टीचर के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम 50% मार्क के साथ आपका देखिए यहाँ पे दिया है BLL हो गया, BTC हो गया, BEd हो गया, ठीक है, और DLED जितने भी आपकी डिग्री होती है वो सारे JBT BT सम्मान है। सीटेड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए 1 से 5 वाला, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे साइंस सोशल साइंस साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तो आपका इस तरह से ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा सेकेंड वाला आपका जो है वो सीटेड क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेड आपका क्वालिफाइड भी होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ठीक है। 1 से 8 वाला सीटेड TGT के लिए आपका क्वालिफाई होना चाहिए, BEd होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं पास इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस जियोग्राफी इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी सोशोलॉजी, ये आपका है, यहाँ पे एम आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ठीक है। और इसमें आपका जो है नीचे दिया हुआ है आपका BEd भी होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका सीटेड नहीं रहेगा, सीटेड आपका जो है इस पर नहीं लगेगा, क्लियर हो गया। आप देखिए काउंसलर के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए BA BSc दिया हुआ, ठीक है, इस तरह से आपका साइकोलॉजी से होना चाहिए। योगा टीचर के लिए 1 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है ग्रेजुएशन के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। NCC इंस्ट्रक्टर के लिए आपका EX सर्विस मैन अप्लाई कर सकता है, NCC वाला अप्लाई कर सकता है 2 ईयर, ठीक है। एज 35 साल, लैंग्वेज प्रोफेंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ज्ञान होना चाहिए। ये वो प्रोफार्मा है जो आपके आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, प्रिंट करवाना है, इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद आपको सीधा पहुंच जाना है, ये आपको भरना है पूरा, ठीक है। ये प्रोफार्मा है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, अभी मैं आपको वेबसाइट से भी दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीटली भर लीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल, फोटोकॉपी, 2 फोटो अलग से ले लीजिएगा, 1 फोटो यहां पेस्ट कर लीजिएगा, अपने टाइम पे आप लोग वहां पहुंच जाइए, ठीक है। तो ये इस तरह से रहा आपका नोटिफिकेशन, चलिए ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी टीचर है ये उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, यहाँ पे दिया PRT, ठीक है, PRT के लिए है कंस्ट्रक्चर टीचर। यहाँ पे देखिए आप BLED हो गया आपका, ठीक है, BTC हो गया, DLED हो गया, BEd हो गया, कुछ भी है प्राइमरी टीचर के लिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा आपका जो है यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफाइड इन द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट, मैंने आपको जैसे बता दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से है, और यहाँ पे दोस्तों आपका TGT के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा
कैसे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो दोनों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग फटाफट देख लीजिए और पहुँच जाइए दोस्तों, ठीक है। बीएड आपका होना चाहिए देखिए टीजीटी के लिए, और सेकंड वाला आपका जो है यहाँ पे सीटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और पीजीटी के लिए आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहिए, और आपका जो है इस तरह से बीएड, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पीजीटी में आपका ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये इस तरह जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों आप बिल्कुल वीडियो पर बन रहे, हम ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, डाउनलोड करके भी आपको मैं दोस्तों दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए हमने अपने फ़ोन पे गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद टाइप करना bhuvaranasi.kbs.in, ये टाइप करना है। टाइप करने के बाद सीधा दोस्तों हम लोग इंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय बीएचयू वाराणसी, इस पर क्या करना दोस्तों क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद सीधा नीचे आना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्रॉस को हटा देना है, इस तीन बिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे हमारी जो साइट है डेस्कटॉप साइट पर ओपन हो जाएगी। नीचे आना है और नीचे जाना है, और इस तरह से थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका लेटेस्ट भर्ती चल रही है वो आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए 1/3/2023 पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट 2023-24 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पीजीटी टीजीटी और प्राइमरी टीचर, ठीक है। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नोटिस शेड्यूल इंटरेस्टन और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बायोडाटा फॉर्म दोनों इस पे मिल जाएगा। तो आपको देखिए बायोडाटा फॉर्म के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा था वो यहाँ पे आपको इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लाइन बाय लाइन देखना चाह रहे हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन देखना चाह रहे हैं तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक शिक्षक वाले ध्यान दें, प्राइमरी टीचर वाले जो है वो 22 तारीख को जाना है, ठीक है, ध्यान रहे 22 तारीख को। तो इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। ये इस तरह से ये इसका प्रोफार्मा है, इसको भर के आपको कंप्लीटली पहुंच जाना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको अलग अलग देखना, तो इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अलग अलग पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ये रही इस तरह से, देखिए प्राइमरी टीचर के लिए आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये इस तरह से अलग अलग टीजीटी पीजीटी जो भी चीज़ें हैं आपका सभी का आपका क्वालिफिकेशन इधर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये रही अपडेट, आप लोग थोड़ा सा जल्दी करिए क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है, और आप लोग जाइए, आपको सीधा वहीं पहुंचना, फॉर्म भेजना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये रही अपडेट। तो दोस्तों अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल की घंटी को प्रेस कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन दोस्तों स्वतः मिलते रहे, जैसे भी अदर और जिलों की भर्ती दोस्तों जारी हो। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।